गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोकल कलेक्शन, जहां आपको मिलता है रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एल्प्स गुडनेस के रोजमेरी वाटर का रिव्यू। एंड रोजमेरी वाटर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों की शाइन के लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूब में आजकल पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है कि ये रोजमेरी वाटर घर पे कैसे बनाना है। तो एल्प गुडनेस ने क्या किया है कि इसको बना करके मार्केट में डायरेक्ट अवेलेबल कर दिया है। आप इसको यूज कर सकते हैं, दो इट कंटेन केमिकल्स, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले गए हैं। भाई किसी भी चीज को दो साल रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज जो हम घर में रेमेडीज करते हैं, रोजमेरी वाटर बनाएंगे या राइस वाटर बनाएंगे, अगर उसको एक हफ्ते से भी ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इट कंटेन केमिकल्स, बट यू कैन स्टिल ट्राई दिस, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसको दो हफ्ता यूज किया है एंड चलिए फटाफट से आपको अपना रिव्यू दे देती हूँ कि मेरे लिए इसने कैसे। तो गाइज ये है एल्प गुडनेस का रोजमेरी वाटर एंड दिस इज फॉर थिक हेयर्स। इसमें किसी भी तरीके का सिलिकॉन, पैराबीन या सल्फेट का यूज नहीं हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल कलर का भी यूज नहीं हुआ है एंड दिस इज क्रुएल्टी फ्री। और अगर इसकी एमआरपी की बात कर लूँ मैं तो दिस इज फॉर 225 रुपीज। purple.com पे आप अगर इसको लेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी ये मिल जाएगा। लिंक्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, purple.com के हो चाहे अमेजोन के हो, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द बॉटल, ये ऐसे स्प्रे बॉटल में आता है, ये इसका मैकेनिज्म है। यहाँ से बटन है ओपन होने के लिए, लाइक ओपन करेंगे तो सी दिस स्प्रे मैकेनिज्म भी मुझे अच्छा लगा इसका, काफ़ी ठीक है। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि कहीं से स्पिल हो रहा है या प्लास्टिक कुछ खराब सा है, नहीं ऐसा नहीं है। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रोजमेरी वाटर से होता क्या है। रोजमेरी वाटर अगर आप अपने बालों पर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके बालों पर, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया है कि अच्छी शाइन ऐड कर देगा आपके बालों पर, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके बालों में ये काफ़ी वॉल्यूम देगा। ठीक है, वॉल्यूमनाइज कर देगा आपके बालों को। और अगर मेरे लिए इसने कैसा वर्क किया है तो फर्स्ट वीक तो भाई समझने में लग जाता है प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। बहुत स्प्रे कर दिया था मैंने इसको, नाइट में भी कर लिया था एंड देन शैम्पू किया था उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्प्रे कर लिया था। उससे हुआ ये कि मेरे बाल फिर ओवर ड्राई होने लगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बालों में ऑयलिंग भी कर रही हूँ फिर भी मेरे बाल इतने ड्राई क्यों हो रहे हैं। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इसको बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मत सोचिएगा कि वाटर है बस, तो बस कितना भी यूज़ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको एक एडिक्वेट अमाउंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये आपके बालों को ड्राई भी कर सकता है। कम अमाउंट में यूज़ करिए, बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, फॉर सेकेंड यूज़ मैंने क्या किया था कि शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट्स पहले मैंने इसको अपने बालों में अच्छे से लगा करके और बालों को ऐसे टाई करके रख लिया था। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया है तो मुझे बाल अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। उसके बाद फिर मैं इसी प्रोसीजर से इसको फॉलो कर रही थी तो मुझको लगा है एब्सोल्युटली मुझे अपने बालों में शाइन भी दिखी है। ये जो क्राउन एरिया है यहाँ पे वॉल्यूम कम लगती है, बट इसको यूज़ करने के बाद क्राउन एरिया पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छी दिख रही थी मुझे। तो ये दो चीज़ तो बिल्कुल हुई है। हेयर ग्रोथ करेगा इसके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, 2 वीक बहुत ही कम टाइम होता है ये चीज़ बताने के लिए। बट यस, हेयर फॉल इससे मुझे किसी भी तरीके का कोई हेयर फॉल नहीं हुआ है या मुझे अपने स्कैल्प पे कोई इचिनेस या कोई इरिटेशन या कोई इन्फेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे है इसमें। तो ठीक है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। बस आप जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओवर यूज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो वो नुकसान ही देगी आपको। ठीक है, तो ओवर यूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग कि आपको अपने बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं छोड़नी है। ये काम मत करिएगा कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि यही आपके बालों को पूरा न्यूट्रिशन दे देगा या आपको इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हेयर ऑयलिंग इज मस्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके बालों को ड्राई कर सकता है। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस वाज़ द रिव्यू फॉर एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रिव्यूज़ बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। अगर आपको कोई और इंडियन ब्रांड के बारे में आप जानते हैं या आप किसी इंडियन ब्रांड का रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी रिव्यू बनाने की, उसको भी कवर अप करने की। सो दैट वॉज द रिव्यू, और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूज़ इंडियन प्रोडक्ट, बाय इंडियन प्रोडक्ट, बी वोकल फॉर लोकल। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।